इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर। गुजरात में बारिश और बाढ़ की वजह से 10 लोगों की जान चली गई है और सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है राजकोट और जामनगर का इलाका, जहां चार चार लोगों की मौत हुई है। 7,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। वहीं गुजरात में 15 स्टेट हाईवे समेत 188 रास्ते बंद पड़े हैं। कई जगह बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, हजारों लोगों के मकान बर्बाद हो गए। कल गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी की। बाढ़ से गुजरात के चार जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। गुजरात में जामनगर, राजकोट में सबसे ज्यादा बर्बादी देखने को मिली है। राजकोट में बाढ़ से चार लोगों की जान गई है, तो वहीं जामनगर में भी चार लोगों ने जान गंवाई है। इन जिलों में सैलाब गुजर चुका है, लेकिन तबाही का मंजर पीछे छोड़ गया। और इसी बीच कल सीएम भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनको मदद का भरोसा भी दिया। वहीं एनडीआरएफ की 18 टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। अब आपको गुजरात के तीन जिलों में बर्बादी की हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। जामनगर के कई इलाकों में पानी उतर चुका है, लेकिन पीछे छोड़ गया है तबाही का मंजर। वहीं जूनागढ़ में भी हालात ऐसे हैं कि लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, लाखों का नुकसान हुआ है। इस बीच डूबे इलाकों में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। आपको तबाही की ग्राइंड रिपोर्ट दिखाएं, लेकिन उससे पहले आपको गुजरात के बाढ़ से बेहाल की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। कुछ तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देखिए कि एक डॉगी किस तरह से बाढ़ में फंस चुका है, लेकिन धीरे धीरे किनारे की ओर जा रहा है। और आप देखिए कि जो आसपास के इलाके की पानी करीबन 8 से 10 फीट पानी भर चुका है इलाकों में, और जो घर है यानी कि जो निचला फ्लोर है आपका, वो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। इंसान हो, जानवर हो, हर कोई बेबस नजर आ रहा है। इलाके में करीब 8 फीट से ज्यादा का पानी है। बड़े बड़े ट्रक डूबे नजर आ रहे हैं। लोगों के घरों की पहली मंजिल पूरी तरह से डूब चुकी है और जो लोगों का सामान है पानी में बर्बाद हो चुका है। क्या मवेशी और क्या दूसरे जानवर और क्या इंसान, हर कोई इस पानी में जिंदगी से दो चार हो रहा है। जूनागढ़ में बर्बादी की एक और तस्वीर देखिए, लाखों का नुकसान हुआ है। बाढ़ में अनाज बर्बाद हो गए और घर भी तबाह हो गए। तो ये तस्वीर आप जूनागढ़ की देख रहे हैं, जहां पर पानी उतर जाने के बाद लोगों के घर पर जो तबाही हुई है उसका मंजर आप देख रहे हैं। चाहे फ्रिज हो, घर के जो सामान है वो पूरी तरह से पानी में बर्बाद हो गए हैं। लोग धीरे धीरे अब अपने वापस जिंदगी पर लौटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो नुकसान हुआ है वो उनके लिए बहुत ज्यादा है। इसके अलावा आप देखें कितने मकान टूट गए हैं और ये अनाज जो लोगों का भूख मिटाते वो भी इस पानी में बर्बाद हो गए। अब आपको राजकोट की तस्वीर दिखाते हैं, जहां अभी मिशन जिंदगी चल रही है। लोगों को लगातार बचाने का काम किया जा रहा है और सैलाब के बीच रस्सी के सहारे जिंदगियां बचाई जा रही हैं। तो यह रेस्क्यू ऑपरेशन आप देख रहे हैं, जहां रस्सी के सहारे लोगों को निकाला जा रहा है जो फंसे हुए हैं, क्योंकि आसपास कई इलाकों में पानी भर गया है और बीच में लोग घरों में फंस गए थे, लेकिन उन तक मदद नहीं पहुंच पा रही थी। जो पुलिस के जवान हैं लोगों को उठा उठा कर घर से बाहर ला रहे हैं, उनको सुरक्षित जगहों तक पहुँचाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी बुजुर्ग भी हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। बच्चे और बुजुर्ग जो खुद को इसमें सबसे ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करते हैं। गुजरात में बाढ़ से मरने वालों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ी है, लेकिन मौसम विभाग के अलर्ट के बाद से ही रेस्क्यू टीम पहले से तैनात कर दी गई है, लिहाजा बाढ़ के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो गया है। लेकिन अब जामनगर में बाढ़ का पानी कम हुआ तो उसके बाद तबाही का मंजर दिखा। सड़कें टूट गई हैं, पुल ढह गए हैं। जामनगर से संवाददाता राजेश कुमार वहां पर हुई बर्बादी की हालात अपनी इस रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं, उसको आप देखिए। रविवार और सोमवार को हुई तेज बरसात ने जामनगर और राजकोट में भयंकर तबाही मचाई। कई इलाके इन दोनों जिलों के जलमग्न हो गए। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वो सड़क है, ये सड़क, ये ब्रिज जो है वो कनेक्ट करती है राजकोट को और जामनगर को, लेकिन इस सड़क पर कई ऐसे ब्रिजेस हैं, कई ऐसे पुल हैं जो इस वक्त ध्वस्त हैं, जो टूटे हुए हैं। फिलहाल उनकी मरम्मत का काम चल रहा है। आवागमन बड़ी गाड़ियों के लिए बंद किया गया है। पानी का प्रवाह इतना तेज था कि सैकड़ों टन मलबा जो है वो आकर जगह जगह पर इकट्ठा हो गया है। पानी का बहाव जो है वो रुक रहा है। इस वक्त जेसीबी मशीन जो है वो उसी मलबे को हटा रही है, क्योंकि कई जगह पानी जाने का रास्ता जो है वो ब्लॉक हो गया है। वहीं इस तरह की कई जो ब्रिजेस हैं, कई पुल जो हैं वो ध्वस्त हुए हैं। अब पानी का बहाव कितना तेज होगा उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस ब्रिज का, इस पुल का
एक हिस्से की जो रेलिंग है वो पूरी तरीके से टूट गई है। आपकी नज़र जहां तक जाएगी वहां आपको दिखेगा कि रेलिंग जो है वो पूरी तरीके से टूटी हुई है। ये हरिपर गांव है, कालावाड़ तालुका है जामनगर का, और ये जो सड़क है ये राजकोट और जामनगर को जोड़ती है। फिलहाल ये सड़क बंद है क्योंकि जगह जगह पर ब्रिज जो हैं, पुल जो हैं, इसी तरीके से ध्वस्त हैं। उन्हें ठीक करने का काम चल रहा है, लेकिन इलाके के लोग बता रहे हैं कि रविवार और सोमवार को इन इलाकों की हालत बहुत ख़राब थी। इस ब्रिज के ऊपर से तकरीबन 6 से 7 फुट ऊपर से पानी जा रहा था, तो आप समझिए कि कितनी ज़्यादा बरसात हुई है। लोग बता रहे हैं या मौसम विभाग का कहना है कि रविवार और सोमवार को तकरीबन 300 से 350 mm की बरसात जो है वो राजकोट और जामनगर के अलग अलग इलाकों में रिकॉर्ड की गई है। साथ ही 18 सितंबर तक राजकोट और जामनगर के लिए भारी हैं, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि 18 सितंबर तक बरसात इन इलाकों में तेज हो सकती है। अब राजेश, कालावाड़ इलाके से कुछ आगे बढ़े तो फुलझर नदी पड़ी, और उस पर बने पुल तक जब पहुंचे तो यहां पर हाल इतना बुरा था कि यहां पर जो ट्रैफिक है पूरी तरह से बंद है, क्योंकि आप देखिए ये पूरी तरह से जो ब्रिज है मलबे से भरा हुआ है। 24 घंटे पहले इस जगह पर एक चमचमाती सड़क हुआ करती थी। यह सड़क राजकोट को जूनागढ़ जामनगर से जोड़ती है। कालावाड़ तालुका का खंडेरा इलाका है, ये खंडेरा गांव है यहां पर, और ये ब्रिज जो है वो कई सालों से लोगों को राजकोट से जामनगर और जामनगर से राजकोट ले जा रही थी। लेकिन रविवार और सोमवार को जो तेज बरसात इन इलाकों में हुई है, तकरीबन 350 mm बरसात जो है इन इलाकों में रिकॉर्ड की गई है, उस वजह से इन इलाकों में जो बांध थे, जो नदियां थी, वो ओवरफ्लो करने लगी। बहाव काफी तेज था और उस वजह से कई पुल जो हैं वो ध्वस्त हुए हैं, बर्बाद हुए हैं, तहस नहस हुए हैं। यही वजह है कि आवागमन बंद है। जो नदी है ये फुलझर नदी है, और तबाही का आलम देख लीजिए, आधी से ज़्यादा सड़क जो है वो कट गई है यहाँ पे। यही वजह है कि बड़े गाड़ियों के लिए आवागमन बंद किया गया है। सड़क उखड़ गई है, जो सड़क बची भी है वो उखड़ गई है। किनारे में जो बाउंड्री वॉल था उसका कहीं नामो निशान नहीं है, वो बह के कहीं दूर नदी में जा गिरी है। मैं कैमरामैन विजेंद्र से कहूं कि दिखाएं तो दूर नदी में जाके कहीं बाउंड्री वॉल जो है वो गिरा हुआ है। ये नीचे देखिए, ये नीचे टूटकर बाउंड्री वॉल का कुछ हिस्सा नीचे गिरा हुआ है। बहाव कितना तेज होगा इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। बड़े बड़े पिलर्स जो थे इस ब्रिज को, काफी मजबूत ब्रिज जो है वो देखने से प्रतीत हो रहा है, मालूम पड़ रहा है काफी मजबूत ब्रिज था, ये पुल था। तो जामनगर में जगह जगह मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है, सड़कों को तेजी से बनाने का भी काम चल रहा है ताकि जल्द ही जो ट्रैफिक है वो वापस पटरी पर लौट आए। ये गुजरात प्रशासन का एक्शन ही है जो जल्द से जल्द यहां पर अब काम किया जा रहा है। हरिपर में हम मौजूद हैं, ये कालावाड़ इलाका पड़ता है जो कि जामनगर और राजकोट के बीच में है, और वहां पर इस वक्त पुल के मरम्मत का काम जो है वो चल रहा है। हरिपर का इलाका है, गुजरात सरकार के में अभी भी बदलाव हुआ है, नए मुख्यमंत्री आए हैं, उसके बावजूद भी जो लोकल प्रशासन है वो अपनी काम मुस्तैदी से कर रहा है। दूसरे राज्यों में ऐसी तस्वीर शायद ही देखने को मिलती है कि तबाही हो और तुरंत के तुरंत जो है वो काम शुरू हो जाए, उसके ठीक करने का, तबाही से जो नुकसान हुआ है उसे कम करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाए। कई राज्यों में ये स्थिति बहुत देर से देखने को मिलती है, लेकिन एक गुजरात है। यही वजह है कि महज कुछ घंटों के अंदर ही ब्रिजेस जो टूटे हैं उन्हें बनाने का काम शुरू हो गया है। कलवाड़ इलाके के विधायक प्रवीण मुसडिया राहत काम की निगरानी खुद कर रहे हैं, और उनका मानना है कि क्लाइमेट चेंज का नतीजा ये है कि इलाका सूखे से परेशान रहता था, और लेकिन अब इतना यहां पर पानी बहा है कि लोग अब पानी से त्राही त्राही कर रहे हैं। पहली बार इतनी बरसात यहां पर हुई है और जिसके चलते पूरा इलाका पानी में डूब गया। कालावाड़ इलाके के विधायक प्रवीण मुसडिया इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इस इलाके में एकाएक इतना पानी कहां से आया, और क्या इसके पहले इस इलाके ने ऐसी त्रासदी झेली है क्या। मुसडिया साहब, ये बताइए कि हमने पहली बार सुना कि इन इलाकों में जामनगर का इलाका हो या राजकोट का इलाका हो जहां बाढ़ जैसी स्थिति बनी हो, क्या इससे पहले इन इलाके में रहने वाले लोगों ने ऐसी विपदा झेली है।
नहीं, इससे पहले कभी ऐसी विपदा नहीं है। हमने बुजुर्ग लोगों को भी पूछा है कि भाई इस तरह की बारिश के इस तरह का पानी कभी आया इस विस्तार में, तो वो सभी ने ना बोली है। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, मैं जानता हूँ, मेरी जानकारी के तहत ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है इसका ये प्रभाव है, क्योंकि ये विस्तार खास करके अछत पानी की अछत वाला विस्तार है, यहाँ बारिश कम ही होती है। बारिश के लिए कमी रहती थी, नहीं पानी की कमी रहती थी इतनी। अगर जूनागढ़ के पास अगर सबसे ज्यादा कोई प्रभावित इलाका हुआ है जूनागढ़ जामनगर के अलावा, तो है राजकोट। अब राजकोट की तस्वीर आपको दिखाएं, बाढ़ जब आया तो इलाके में करीब 10 फीट तक का पानी भर गया। राजकोट के मेटोडा इलाके में हाल बेहाल था, लोगों के घर डूब गए थे, अंदर रखा सारा सामान पानी में डूब चुका था। अब हालत यह है कि चारों तरफ सिर्फ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। लोगों के घरों में जो तमाम उनकी रोजमर्रा की चीजें थी वो सब बर्बाद हो चुकी है। ये जो बर्बादी और तबाही की तस्वीरें हैं, ये राजकोट जिले के मिटोड़ा जीआईडीसी इलाके के वडवाजड़ी गांव के एक घर की है। निहाल नाम के शख्स का ये घर था। 24 से 48 घंटे पहले ये आपके और मेरे जैसे घर के जैसी ही स्थिति इस पूरे कमरे की थी, इस पूरे घर की थी। टीवी भी था, फ्रिज भी था, यहाँ पे बेड भी था, सब कुछ व्यवस्थित था, लेकिन बाढ़ आई और अपने साथ तबाही लेके आई, पूरा घर अस्त व्यस्त है। आपको तस्वीरों को देखकर अंदाजा लग पाएगा कि पूरा घर और घर में रखा हर एक सामान इस वक्त बर्बाद हो गया है, चाहे वो फ्रिज हो या फिर टीवी हो, कपड़े हो, अलमीरा हो या फिर किचन का सामान हो। ये इस वक्त टीवी आपको दिखा रहे हैं, टीवी जो है वो पूरी तरीके से डूब चुका था जब यहाँ पे पानी भरा था। फ्रिज डूबा था और नीचे इस वक्त फर्श पर सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा है। इस तरफ बेड था, सोफा था, सब कुछ खत्म हो गया है। कितने कमरों का घर था ये निहाल आपका? जी, ये दो कमरों का घर था। और दो कमरे में सब सामान? कुछ सामान था, अचानक से बाढ़ आई और सब कुछ खत्म कर दिया। मतलब कोई भी एक भी सामान बचा आपका? नहीं, कुछ नहीं, सब तबाही। क्योंकि ये जो आप छत देख सकते हैं वहां तक पानी गया था, पूरा पूरे छत तक पानी गया, छत तक। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो चीजें दिख रही है आपको, ये सब वहां तक पानी गया था। मतलब हम कहें कि 8 फीट 9 फीट तक पानी था तो गलत नहीं? नहीं नहीं, इससे ऊपर जा रहा था, मतलब पानी। हाँ, आप लोग कहाँ थे उस वक्त जब ये? यहाँ से जब पानी की शुरुआत हुई तो हम यहाँ से निकल गए, उस तरफ चले गए। फिर हमने 3-4 लोगों की सहाय लेके सीधा रोड पे चले गए और फिर पानी बढ़ता ही चला गया। फिर हम चले गए यहाँ से आगे जो वागुदल विलेज है वहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो गए, मतलब सलामत हो जाए सब लोग, फैमिली वेमिली सब लोग। उसी तरह से हम लोग वहाँ पे अपनी जान बचा के पहुँचे। ज़्यादा कुछ नहीं ले पाए, बस एक जोड़ी ये जो पहना हुआ कपड़ा है वो लिया, चप्पल थे वो लिए बस। कौन कौन रहता है आपके इस घर? यहाँ पे मम्मी है, पापा है, सब लोग है। राजकोट में अब सैलाब उतर चुका है, लेकिन अभी भी उसकी बर्बादी के जो निशान है वहां नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता राजेश एक ऐसे ही जगह पर गए जहां एक ट्रस्ट का किचन था, सैकड़ों जरूरतमंदों को यहां से खाना बनाकर पहुंचाया जाता था, लेकिन बाढ़ में किचन तबाह हो गया है और जो अनाज था वो भी बर्बाद है। इस वक्त जो अन्न आप देख रहे हैं, जो गेहूं चावल इस वक्त आप देख रहे हैं, वो महज 24-48 घंटे पहले तक गरीबों का पेट भरते थे। या ये वो जगह है जहां से रोजाना 100 से 150 गरीबों को जो अस्पताल में हैं, भर्ती हैं, उनके परिवार वालों को खाना मुहैया होता है, उन पेशेंट्स को मुहैया कराया जाता खाना। ये एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट के का ये एक किचन था जहां से टिफिन सर्विस गरीबों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराया जाता था, लेकिन सारा अनाज इस वक्त बर्बाद हो गया है। राजकोट जिले का मिटोड़ा जगह है, जीआईडीसी मिटोड़ा का वडवाजड़ी गांव है और वहां पर ये इस तरीके से तबाही जो है वो मची है। पूरा का पूरा अनाज बर्बाद है, साथ ही यहां पर जितना भी सामान था वो सब कुछ बर्बाद हो गया है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।